स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। SI और ESI पे सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं अभी तक तो उसको पहले देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। इसमें हम मुख्य रूप से SI और ESI को कंपेयर करेंगे। काफ़ी लोगों का डिमांड था कि SI वर्सेस ESI वीडियो बनाइए, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखें तो SI जो है आपका वो गृह विभाग के अंतर्गत आता है, ESI वहीं पर परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है। दोनों का नेचर जो है वो नॉन गजिस्टर्ड है और राजपत्रित पोस्ट है दोनों, और ग्रुप बी के अंतर्गत ये आता है। वहीं पर वर्क एंड टाइमिंग का बात करें तो SI का जो वर्क होता है वो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द एरिया असाइंड अंडर योर पुलिस स्टेशन। आपका जिस थाने में पोस्टिंग होगा उसके अंडर में जो भी एरिया आता है उसके उसका विधि व्यवस्था को जो है मेंटेन करना आपका वर्क होगा। और वर्किंग आवर जो होता है SI में वो आपका 24 आवर का माना जाता है, ठीक है। आप ऑन ड्यूटी ही माने जाते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा 24 घंटे में तो आपको बुलाया जा सकता है, आपको जाना पड़ेगा, फ़ोन आएगा तो, ठीक है। वहीं पर ESI का बात करें तो देखिए ये पूरी तरह से जो है एक तरह से आर्म्ड फोर्सेज वाला जॉब, इसको आप नहीं कह सकते, एक तरह से सिविलियन वाला ये जॉब है, ठीक है। इसका जो वर्क है मुख्य रूप से वो इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स, ठीक है। परिवहन विभाग का जो भी एक्ट एंड रूल बना हुआ है उस सबको लागू करवाना, इन्फोर्स करवाना, इन्फोर्समेंट का मतलब ही होता है लागू करवाना, तो ये इसका मुख्य रूप से ESI का जो है वो वर्क है। वहीं पर इसके वर्किंग आवर्स को हम बात करें तो जनरली जो है ऑफिस आवर जो होता है आपका सिविलियन का वही होता है इसका, स्पेशल केस में, ठीक है, वो कभी भी आपको जा सकते हैं और जाना पड़ सकता है आपको, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन SI ऑफ पुलिस जो है उसके केस में जो है 24 आवर जो है आपको ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। तीसरा पॉइंट सैलरी एंड अलाउंसेस का बात करें तो SI का और ESI का दोनों का ही ग्रेड पे 4200 है, बेसिक पे दोनों का ही 35400 है, इन हैंड सैलरी जो दोनों का बनता है वो 47,000 के अप्रॉक्स यदि हम जून 2020 का बात करें तो दोनों के ही केस में। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि SI जो है आपका वहाँ पर एक्स्ट्रा भत्ता वगैरह है कुछ, जिसमें कि आपको लगभग 8-10,000 के आसपास एक्स्ट्रा आपका जो है सैलरी जा सकता है। हो सकता है ESI में थोड़ा बहुत भी वर्दी का कुछ भत्ता हो, लेकिन कम होगा SI के कंपेरिजन में, वहाँ पर भत्ता जो है आपका थोड़ा सा प्लस हो जाता है SI में। चौथा पॉइंट हम पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें यदि तो SI में जो है देखिए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। SI जो है एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, ठीक है। पावर वहीं पर जो है ज़्यादा है आपको SI में, और सोशल रिस्पेक्ट जो है वो भी आपको SI में ज़्यादा है। ये तीनों चीज़ जो है SI में जो है आपको हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर पावरफुल एंड मोर सोशल रिस्पेक्ट। वहीं पर ESI का बात करें तो ये तीनों जो पॉइंट है वो SI के तुलना में कम है, ठीक है। SI के तुलना में ये तीनों चीज़ ESI में आपको कम मिलेगा। पांचवा पॉइंट ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का हम बात करें तो पोस्टिंग जो है SI का वो ज़िले के किसी भी एक थाने में होता है आपका, वहीं पर ESI का बात करें तो पोस्टिंग आपका जिला परिवहन कार्यालय में होगा, ठीक है। SI का ट्रांसफ़र और ESI का दोनों का ही ट्रांसफ़र जो है आपका वो राज्य स्तर पर होगा, स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल का ये कैडर है, ठीक है। 3 साल में जनरली जो होता है स्टेट में ट्रांसफ़र वो आपका होगा, और होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो इन दोनों में ही आपको पोस्टिंग नहीं मिल सकता है, ना ही SI में ना ही ESI में। छठा पॉइंट हम प्रमोशन का बात करें तो SI का जो पहला प्रमोशन होगा वो आपका इंस्पेक्टर में होगा, ESI का भी जो पहला प्रमोशन होगा आपका वो इंस्पेक्टर में होगा। सेकंड प्रमोशन SI का DSP में, ESI का सेकंड प्रमोशन आपका जो है वो एडिशनल DTO, SI का तीसरा प्रमोशन जो होगा आपका वो एडिशनल SP, और ESI का तीसरा प्रमोशन वो DTO। यहाँ पर हम 3 प्रमोशन को लिए हैं क्योंकि जनरली काफ़ी है, हमको लगता है 3 प्रमोशन तक यदि आप ज्वाइन करते हैं SI में तो, और ESI में। फाइनली हम कंक्लूजन का बात करें तो SI के केस में देखिए हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई पावर, हाई सोशल रिस्पेक्ट, लेस टाइम फॉर फैमिली, हाई रिस्क, एडवेंचरस, हाई फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड और एक्स्ट्रा अलाउंसेस,
तो मुख्य रूप से जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है इस पोस्ट में, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। पावर आपको हाँ मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट भी मिलेगा अच्छा खासा, फैमिली के लिए आपको समय इसमें कम मिलेगा, रिस्क ज़्यादा है एसआई में, एडवेंचरस है ये, हाई फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है इसमें, जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा एसआई में। और प्लस पॉइंट थोड़ा सा है कि आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिल जाता है भत्ता का जो वो होता है वो 8-10 हज़ार जो भी प्लस हो जाएगा। भत्ता पे हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस चीज़ के लिए कितना आपको मिलता है एसआई में, ठीक है। वहीं पर ईएसआई का बात करें तो पोस्टिंग एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल, एक इसका अच्छा चीज़ है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पर डीटीओ ऑफिस में आपका जो है पोस्टिंग रहेगा। उसके बाद लेस एडवेंचरस इन्वॉल्व, एडवेंचर जो है वो एसआई की तुलना में इसमें कम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें फिजिकल जो है आपका प्रॉपर फिजिकल जो है वो इसमें नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ पैदल चलवा करके आपसे देखा जा रहा है और उसके बाद इंटरव्यू है आपका। लेस फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, ये तो पता ही है आप लोगों को। रिस्क भी लेस है एसआई की तुलना में इसमें, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल, हर तरह के लोगों के लिए ये सुटेबल है और गर्ल्स के लिए भी ये सुटेबल है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।